तो चलो बच्चों, इस वाले सवाल को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कहते हैं कि देयर इज ए यूनिफॉर्म स्पीयर ऑफ मास एम रेडियस आर, दिस इज द सॉलिड स्पीयर। इसको मैं सॉलिड स्पीयर कंसीडर कर रहा हूँ जब नहीं बताया गया है। इसका मास एम है और इसका रेडियस आर है बच्चों, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड अगर मैं सेंटर से दूर जाता हूँ, मान लो ये सेंटर है, सेंटर से मैं दूर जाता हूँ तो हर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल कहाँ जाऊँगा, इन्फिनिटी पे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जी कैसे वेरी करेगा विद द डिस्टेंस एज ए फंक्शन, ग्रेविटेशनल फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर। तो ये वाली चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो चलो अब उसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आउटसाइड, अगर आउटसाइड की बात करोगे, सबसे पहला पॉइंट है आउटसाइड, ग्रेविटेशनल जी एट आउटसाइड। आउटसाइड बोले तो ऐसा पॉइंट जो बाहर है भाई, आउटसाइड मतलब होता है कि वो पॉइंट इस स्फीयर से बाहर है। तो अगर कोई पॉइंट बाहर है तो इस स्फीयर को अगर तुम देखोगे, इस स्फीयर का मास एम है, समझना इस चीज़ को, इस स्फीयर का मास एम है और इस स्फीयर का रेडियस आर है। तो अगर वो पॉइंट आउटसाइड आ रहा है, वो पॉइंट आउटसाइड आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर पॉइंट आउटसाइड आने के लिए आपको, हाँ यहाँ पर ये पॉइंट आउटसाइड आ गया, तो इस पॉइंट पर एक हमें ग्रेविटेशनल फील्ड हमें निकालनी है। तो यहाँ से तुम बात करोगे ये डिस्टेंस आर है और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कैपिटल आर है भाई। तो अगर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कैपिटल आर है और आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब आउटसाइड का यही मतलब होता है आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इस पूरे स्पीयर को मैं पॉइंट बना देता हूँ। इस पूरे स्पीयर को, ये सॉलिड स्पीयर था, इसको मैं एज ए पॉइंट मास ट्रीट करता हूँ, कैपिटल एम पॉइंट मास बना देता हूँ। तो ये जो पॉइंट आर है, ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन होगी, ऑब्वियसली डायरेक्शन तो इधर ही होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और उसकी वैल्यू एक पॉइंट के इक्वल होगी। तो पॉइंट कितना होता है, तो पॉइंट होता है जी कैपिटल एम ओवर आर का स्क्वायर। तो ये आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब जी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर का करवाएगा। मतलब ये हुआ कि ये आउटसाइड अपना आ गया। दूसरा जो पॉइंट है अगर तुम बात करोगे, तो चलो इनसाइड, हाँ दूसरा पॉइंट बात करो, एट सरफेस बात करो। तो अगर सरफेस पे बात करोगे तो सरफेस पे स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। उस वक्त जो ग्रेविटेशनल फील्ड है जी, वो जो है ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम हो जाती है और उसकी वैल्यू होती है जी एम ओवर कैपिटल आर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। लेट अस टॉक इनसाइड। इनसाइड देयर इज ए कॉम्प्लेक्स स्टोरी। थर्ड पॉइंट इज इनसाइड ऑफ स्फीयर, इनसाइड स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो इनसाइड जो है, अगर आप इनसाइड देखोगे तो इनसाइड, लेट अस पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर, दिस इज द इनसाइड, दिस पॉइंट पॉइंट पी एंड दिस पॉइंट इज आर, दिस इज द कैपिटल आर, दिस इज इनसाइड। तो इनसाइड जब आ जाओगे तो ये जो मास होते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े होगे, न्यूटन की सेल थियरी भी आपको पता होगा, तो ये जो बाहर वाले मास है, ये बाहर वाले मास, दिस कंट्रीब्यूट फील्ड जीरो, इनका ग्रेविटेशनल फील्ड जो क्या होता है, जीरो होता है। तो बाहर वाले मास का ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है। तो जो पी पॉइंट है या जो जो ये आर रेडियस का स्फीयर है, इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, तो ये जो बिंदी बिंदी वाले जो अंदर स्मॉल मास है, ये स्मॉल मास एम, इसकी वजह से होगा। दिस इज स्मॉल मास कंट्रीब्यूट एम एंड दिस विल कंट्रीब्यूट द ग्रेविटेशनल फील्ड। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बाहर वालों का जो है वो जीरो होता है, तो अंदर वाले जो, ये वाले जो बच जाएंगे, ये वाले जो मास बच जाएंगे, ये यहाँ पर फील्ड बनाएंगे, ये यहाँ पर फील्ड बनाएंगे और उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, सेंटर की तरफ होगी, इस टाइप से ऐसे कुछ होगी। तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी कि कैसे डायरेक्शन मतलब होती है, और अब हमें यही चीज़ निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस स्फीयर को मैं, ये जो स्फीयर था, ये अच्छा खासा स्फीयर था स्मॉल आर का,
इस स्मॉल आर को ही मैं बनाता हूँ, कैपिटल आर को मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ, आई नेगलेक्ट ये वाला जो है इसको मैं बनाता ही, मतलब आपके लिए एक बार मैं ड्रा कर देता। तो ये जो कैपिटल आर है और इसको एक पॉइंट ट्रीट कर लो, यहाँ से तुम, यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट पी है, ये मास पूरा इसमें सबसे पहले देखो कितना मास आया उस चीज़ को देखो। तो ये जो है ये पूरा का पूरा जो मास है स्मॉल एम आया है और पॉइंट पी यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, तो अगर ये पूरा का पूरा जो मास है पॉइंट पर फोकस हो जाए, यहाँ पर पॉइंट ओ पर कॉन्सेंट्रेट हो जाए न्यूट्रल सेल थियरी, तो यहाँ से तुम देखोगे ये जो पॉइंट आर है पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पे जाए, अब ग्रेविटेशनल फोर्स जी की वैल्यू इतनी होगी और उस जी की वैल्यू होगी मास जी एम, जी एम ओवर स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एम एक अननोन है, अननोन आ गया यहाँ पर, तो अननोन मास है हमें पता ही नहीं है, ये अननोन मास है, वी डोंट नो अबाउट इट अननोन मास, ठीक है, बिकॉज यू नो कैपिटल मास, मास ऑफ स्पीयर, मास ऑफ स्पीयर ये हमें पता है, स्मॉल एम हमें नहीं पता है। तो स्मॉल एम की जो वैल्यू है उसको मैं निकालने जा रहा हूँ। तो स्मॉल एम जो है कैपिटल मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम और मल्टीप्लाइड बाई छोटा वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये है मास ऑफ द स्पीयर पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू और छोटा वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। तो जब यहाँ से रखोगे तो 4/3 पाई आर क्यू कट गया, तो कैपिटल एम स्मॉल आर की पावर क्यू और कैपिटल आर की पावर क्यू, तो यहाँ से जो कैपिटल एम है कैपिटल एम इज इक्वल टू आर की पावर क्यू और यहाँ कैपिटल आर की पावर क्यू। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द स्मॉल मास। नाउ पुट, हाँ इसको, हाँ हम सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड किसी, कोई इसको इसको जी से डिनोट करता है, जी स्मॉल ऑफ आर का, यहाँ से स्मॉल आर का स्क्वायर था ऊपर जो हम लोग लिखे थे ये वाला, तो यहाँ से जी स्मॉल आर का स्क्वायर और कैपिटल एम स्मॉल आर की पावर क्यू और आर की पावर क्यू, यहाँ से तुम देखोगे तो आर ने आर को ख़त्म कर दिया, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड आया वो आ जाएगा जी कैपिटल एम मास ऑफ द स्फीयर स्मॉल एम और कैपिटल आर की पावर क्यू। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो ये वाला जो चीज़ आया ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, ठीक है, ये जी एम आर की एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर प्रोपोर्शनलिटी देखोगे तो इक्वेशन ग्राफ देखोगे तो जी इज प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब स्ट्रेट लाइन। एट सेंटर पर बात करोगे, सेंटर पर बात करोगे तो आर इज इक्वल टू जीरो था, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो था, मतलब सेंटर से जैसे जैसे दूर जाओगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ लीनियरली वेरी कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है स्ट्रेट लाइन सेंटर से दूर जाओगे। तो अगर मैं इन सब का ग्राफ बनाता हूँ तो मैं ग्राफ मैग्नीट्यूड में ही ड्रा कर रहा हूँ, तो मैं ग्राफ बनाऊँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ बना देता हूँ। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो सबसे पहले आप देखोगे बेहतर तरीके से मैं इसको आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। तो ये रहा अपना स्फीयर और ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर, और इस सेंटर से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम रहा मेरा, ठीक है, जब सेंटर से हम दूर जाएंगे वी विल गो फ्रॉम द सेंटर, तो ये स्पीयर में बना रहा हूँ, तो ज़्यादा यहाँ सेंटर से हम इधर जाएंगे तो सेंटर से इस साइड जाएंगे तो इन्फिनिटी को जाएंगे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टेंस है कैसे वेरी करता है, ये 0.0 है, तो ऊपर में मैं बना देता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड और इधर मैं बना देता हूँ मैं आर, और ध्यान रखना यहाँ ये सरफेस पे जब आओगे तो कुछ ऐसा, तो ग्राफ कैसा आएगा वो देखो, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, इंक्रीज होगी, इस इंक्रीज होगी, धीरे धीरे जैसे ही सरफेस पे आ जाओगे वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके बाद मैक्सिमम के बाद जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा कर्व आ जाएगा और ये जाके टच करेगा इन्फिनिटी को। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, और ये पॉइंट यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम है, और इसको इट्स सरफेस बोलते हैं। ऑब्वियसली इधर जाएंगे तो जी पॉजिटिव है और ये ग्राफ जो है, और यहाँ जो ये जो पॉइंट है वो सेंटर है, सेंटर पर आर की वैल्यू जीरो थी तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू जीरो थी। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये सारा इनसाइड है, तो इनसाइड इनसाइड जी इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये जो पॉइंट है दैट इज आउटसाइड है, ये आउटसाइड है, तो आउटसाइड जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² ऊपर पड़े हो, और ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा दूर है, आर अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो जी अप्रोच टू जीरो। तो आई होप कि ये ग्राफ अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ये एक अच्छा सा ग्राफ आएगा। तो ऐसे कुछ हमने डेरिवेशन कर लिया, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। आई होप कि अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे और समझ गए होंगे सारी बातें कि कैसे हम लोग इसको किए हैं। और अगर आपका, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से कंटेंट बनाता हूँ बच्चों, तो आपका प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।